नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अंश पूंजी के लेखांकन वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लगातार कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम प्रश्न संख्या 7 करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है कि ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, जिसकी अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपये है, जो कि 10 रुपये प्रति समता अंश में विभाजित है, कंपनी ने 50,000 अंश जो कि 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्मित किए। कंपनी ने कितने अंश जारी किए हैं? 50,000 और 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर है। तो आवेदन पर देखिए 3 रुपये, अलॉटमेंट पर प्रीमियम से कितने? 5 रुपये और प्रथम मांग पर 3 रुपये। तो जो अलॉटमेंट की राशि है उसमें 2 रुपये तो कैपिटल के और 3 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के हैं, ठीक है। और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। हमने कितने जारी किए? 50,000। आवेदन कितने के लिए है? 60,000। तो अध्यय विधान की स्थिति ओवर सब्सक्राइब की स्थिति हो गई है, ठीक है। अब अंशों का आवंटन इन इस प्रकार से किया गया। देखिए, 40,000 के अंशों के आवेदकों को पूर्ण 40,000 को 40,000 दे दिए गए, 15,000 अंशों के आवेदकों को 8,000 अंश दिए गए और 5,000 अंशों के आवेदकों को कितने दिए गए? 2,000 अंश का आवंटन किया गया। अतिरिक्त राशि यदि कोई बचती है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। आवंटन दे सभी राशियां प्राप्त कर ली गई है। यथाविधि प्रथम मांग की गई है लेकिन सेकंड मांग नहीं की गई है, ठीक है। 100 अंशों पर दे मांग के छोड़कर सभी राशियां प्राप्त कर ली गई है। कंपनी के इन व्यवहारों को रोजनामचा रोकड़ बही में लिखे, कंपनी का तुलन पत्र भी तैयार करें। देखिए, इसमें हमें क्या बनाना है कि जनरल प्रविष्टि भी करनी है और रोकड़ बही भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को हम सीधा भी कर सकते हैं कि 60,000 अंशों के जो आवेदन राशि है वो 30 से गुणा करके 1,50,000 प्राप्त, 1,80,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में हमने कितने अंश जारी किए हैं? 50,000 अंश जारी किए हैं। तो इसके हिसाब से सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सारणी बना के हल करें तो एक सारणी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आवंटन है अंशों का वो अलग अलग दर पर किया गया। 40,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण आवंटन किया गया, 15,000 अंशों के आवेदकों को 8,000 अंश दिए गए हैं और 5,000 अंशों के आवेदकों को 2,000 अंश दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारणी बनाकर इस प्रश्न को हल किया है तो सारणी को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझने की कोशिश करना, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 में देखिए, हमारे पास 3 जो आवंटन है वो है ए बी सी। तो इसमें जो पहला कॉलम है वो शेयर अप्लाइड यानी आवेदित अंश का, फिर अमाउंट रिसीव्ड जो भी एप्लीकेशन की राशि में प्राप्त है उसका, फिर शेयर अलॉटेड हमने कितने अंश उनको जारी किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और रिफंड का कॉलम हमने बनाया है। देखिए, इसमें एब कहता है कि 40,000 अंशों के आवेदकों को कितने अंश दिए गए? 40,000 ही दिए गए, ठीक है। तो इन 40,000 अंशों के आवेदकों पर 3 रुपये एप्लीकेशन के कितने रुपये प्राप्त हो गए? तो 4×3 = 12, 1,20,000 रुपये प्राप्त हुए। और एप्लीकेशन के कितने प्राप्त होने चाहिए? 1,20,000 होने चाहिए, क्योंकि समान अनुपात में उनको बंटन किया गया है। 40,000 के आवेदकों को 40,000 अंश दिए गए हैं और 40,000 अंशों पर 5 रुपये से कितने हो गए अलॉटमेंट की राशि? 2,00,000 रुपये। और इन 40,000 अंशों की 3 रुपये से फर्स्ट कॉल की राशि कितनी हो गई? 4×3 = 12, 1,20,000 रुपये। ये तो हो गया इन 40,000 अंशों का लेना देना पूरा हो गया। फिर हमने बी देखा कि 15,000 अंशों के आवेदकों को कितने अंश दिए गए? 8,000 अंश दिए गए। तो इन 15,000 अंशों के आवेदकों से एप्लीकेशन की कितनी रुपये प्राप्त हो गई? 3 रुपये के हिसाब से 15,000 × 3 = 45, तो हमें राशि कितनी प्राप्त होगी इन पर? 45,000 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन इनको हमने अंश कितने दिए? 8,000। तो 8,000 का 3 रुपये से कितने रुपये प्राप्त होने चाहिए थे इनके? 24,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन प्राप्त कितने हो गए? 45,000 ज़्यादा हो गए। कितने ज़्यादा है? तो 45 में से 24 घटा के देख लीजिए आप, तो 21,000 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो गए, जो हम कहाँ काम में ले लेंगे? अलॉटमेंट पे काम में ले लेंगे, ठीक है। अब इसी की बात कर लेते हैं कि अब इसके 8,000 अंश है, तो 8,000 अंशों का अलॉटमेंट के 5 रुपये के हिसाब से कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो 8×5=40, अलॉटमेंट के कितने रुपये प्राप्त होंगे? 40,000। और हमारे पास इसके एडवांस कितने पड़े हैं? 21,000। तो 21,000 हम यहाँ ब्रैकेट में डाल के 21,000 रुपये घटा देते हैं, ठीक है। 21,000 रुपये घट जाएंगे तो इसके नकद कितने प्राप्त होंगे? 9,000 ही होंगे। और इसके 8,000 अंशों के 3 रुपये से फर्स्ट कॉल की राशि कितनी हो गई? 8×3=24,000 रुपये। ये हो गए बी अंश पूरे। उसके बाद में हम देखते हैं सी अंश की, तो सी अंश के जो 5,000 के आवेदक उनको कितने अंश दिए गए?
2000, तो 5000 अंशों पर 3 रुपये से नकद राशि कितनी प्राप्त की एप्लीकेशन पर 15000 रुपये, लेकिन हमने इनको अलॉटमेंट कितने का किया है 2000 का, तो 2000 अंशों की 3 रुपये से एप्लीकेशन की वास्तविक राशि कितनी होनी चाहिए थी 6000, हमें कितने प्राप्त हो गए 15000, तो कितना एडवांस हो गया 15000 माइनस 6000 बराबर 9000 रुपये हमारे पास एडवांस आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका हम आगे अलॉटमेंट में समायोजन कर देंगे। तो देखिए 2000 अंशों का 5 रुपये से जो अलॉटमेंट की राशि है वो कितनी बनती है इसकी 10000 बनती है, और हमारे पास एडवांस कितने पड़े हैं 9000, तो 9000 यहाँ ब्रैकेट में डाल के घटा देंगे। ठीक है, अब इन 2000 अंशों की जो फर्स्ट कॉल की राशि है वो कितनी बनती है 6000 राशि बनती है, लेकिन हमने देखा कि एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है, एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है, उसने अंतिम मांग राशि फर्स्ट कॉल की राशि का भुगतान नहीं किया, और फर्स्ट कॉल की राशि कितने रुपए 3 रुपए, तो 100 अंशों के 3 रुपए से कितने बढ़ गए 300 रुपए, तो कॉल्स इन एरर कितना हो गया यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे 300 रुपए, कितना 300 रुपए। ठीक है, तो इसकी हम जोड़ लगा के देखते हैं सारणी की। देखिए ये सभी जो आवेदित अंश इनको जोड़ने पर आवेदन कितने के लिए आया था 60000, आवेदन पर इन सब को जोड़ते हैं तो आवेदन की राशि कितनी आ गई 1,80,000। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 60000 को 3 से आवेदन की राशि से गुणा करेंगे तो 6×3 18 कितने आ गए 1,80,000। हमने निर्गमित किए थे 50000 अंश, तो इन सब की जोड़ कितनी होगी 50000। ठीक है, एप्लीकेशन की राशि वास्तव में कितनी होनी चाहिए थी 1,50,000 रुपये होने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि 50000 अंशों की 3 रुपये से कितने होने चाहिए 5×3 15 1,50,000, तो कितने एडवांस रह गए कि एप्लीकेशन के होने तो 1,50,000 थे, कितने प्राप्त कितने हो गए 1,80,000, तो कितने एडवांस हो गए 30,000 एडवांस हो गए, जो कहाँ काम आ जाएंगे अलॉटमेंट पे काम आ जाएंगे, तो जो अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होगी तो उसमें से 30,000 कम प्राप्त होंगे, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन पे जो अधिक की राशि उसका समायोजन कर लिया जाएगा। देखिए पहले विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं अलॉटमेंट वाले कॉलम में, तो हमारे पास 2,00,000 रुपये तो इन 40,000 अंशों के और इन 15,000 बी वाले अंशों की हमें राशि प्राप्त होनी थी 40,000, जिसमें से 21,000 रुपये हमने एडजस्टमेंट कर दिए, तो इसके कितने रुपए हो गए 19,000 रुपये हो गए, कितने कितने हो गए 19,000 रुपये, और ये सी जो है इसमें 10,000 रुपये अलॉटमेंट करने थे, हमने एडजस्टमेंट 9 का कर दिया, तो इसके कितने हो गए 1,000 रुपये हो गए, तो 19 × 20। ठीक है, और 2,00,000 रुपये ए वाले हो गए, तो कुल कितने रुपये नकद प्राप्त होंगे इसके 2,20,000 रुपये नकद प्राप्त होंगे, क्यों, क्योंकि 2,50,000 में से 30,000 रुपये हमने एप्लीकेशन वाले एडजस्टमेंट कर दिए, तो ये 30,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट कॉल की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट कॉल में 1,20,000 रुपये तो इसकी राशि हो गई, 24,000 रुपये बी की राशि हो गई और 6,000 रुपये सी की राशि हो गई, तो 24 × 6 = 30 और 30 × 1 = 50 कितने 1,20 कितने हो गए 1,50,000, जिसमें से कितनी राशि प्राप्त नहीं कॉल सीन एरर की 300 रुपये, तो नकद कितना प्राप्त होगा 1,49,700। देखिए ये अलॉटमेंट की जो नकद राशि प्राप्त होगी वो है 2,20,000 रुपये और ये 1,49,000 रुपये वह राशि है जो हमें फर्स्ट कॉल की नकद प्राप्त होगी, और एप्लीकेशन पे हमें नकद कितने प्राप्त हुई 1,50,000। तो जो भी बैंक से पुष्टियाँ हैं, बैंक वाली पुष्टियाँ, वो एक तो इससे होगी, एक इससे होगी और एक इससे होगी, लेकिन संबंधित पर्सन में हमें क्या करना है रोकड़ भाई बनानी है, तो बैंक की जो पुष्टियाँ वो हमें रोकड़ भाई में दिखानी है, उसके अलावा सारी पुष्टियाँ हम किस में दिखाएंगे जर्नल में दिखाएंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि जो पहली पुष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वो तो किस में जाएगी रॉकेट भाई में जाएगी, लेकिन जो ट्रांसफर की पुष्टि है वो इसमें आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन में कितनी राशि है, ये देखिए आपके सामने कितनी राशि है 1,50,000, तो ये किस में चली जाएगी कैपिटल में चली जाएगी 1,50,000 रुपये। ठीक है, अब अलॉटमेंट के ड्यू की पुष्टि हम करते हैं तो हमें पता है कि हमने कितने अंश जारी किए, अब अंश जारी किए हैं तो उन अंशों पर 50,000 अंश जारी किए हैं। ठीक है, और अलॉटमेंट की राशि है वो 5 रुपये है। ठीक है, तो 5×5 = 25, तो अलॉटमेंट की राशि कितनी होगी 2,50,000 रुपये। अब इसमें से 2 रुपये तो पूंजी के और 3 रुपये प्रीमियम के, तो 50,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 1,00,000 रुपये तो किसके आगे कैपिटल के, 50,000 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 1,50,000 किसके आगे प्रीमियम के आगे, और ये पृष्ठ किसकी होगी अलॉटमेंट के ड्यू होने की पृष्ठ होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अलॉटमेंट आगे 2,50,000, कैपिटल 1,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000। अब जब अलॉटमेंट के प्राप्त होने की पृष्ठ करनी है तो हमें इस प्राप्त होने की पृष्ठ को किस में करना है रोकड़ भी में करना है, तो और अलॉटमेंट की हमें नकद राशि कितनी प्राप्त हो रही है 2,50,000
20,000 रुपये नगद प्राप्त हो रहे, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, रोकड़ रुपये में दिखेंगे। इसके अलावा जो 30,000 रुपये का हमें एडजस्टमेंट करना है एप्लीकेशन का, किसमें, अलॉटमेंट में, इसकी प्रविष्टि हमें करके दिखानी होगी जर्नल में। तो देखिए ये प्रविष्टि कैसी होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने 30,000 रुपये, रेशन लिख दिया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट, ये 30,000 रुपये का हमने समायोजन की प्रविष्टि कर दी। अब हम फर्स्ट कॉल की जो ड्यू होने की प्रविष्टि करेंगे, तो हमने अंश कितने जारी किए, 50,000 अंश जारी किए, ठीक है, और फर्स्ट कॉल की राशि कितनी होगी 3 रुपये, तो 5 × 3 = 15, फर्स्ट कॉल की राशि कितनी होगी 1,50,000 रुपये। तो प्रविष्टि क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपये, किसकी, ड्यू होने की प्रविष्टि। अब हमें पता है कि फर्स्ट कॉल पर 300 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए थे, बाकी सब राशि प्राप्त हो गई, तो जो नगद राशि प्राप्त हुई वो कितनी हुई थी, तो वो सारणी में देख लेते हैं, नगद राशि हमें 1,49,700 प्राप्त हुए थे और पॉलिसी एरर कितना रह गया 300 रुपये, तो 1,49,700 को तो रोकड़ रुपये में दिखाएंगे, लेकिन 300 रुपये जो पॉलिसी एरर है उसकी जनरल पुरुष्टि करते हैं। तो क्या पुरुष्टि बनेगी, देखिए पुरुष्टि बनेगी कि पॉलिसी एरर अकाउंट डेबिट टू, किस संबंध में कॉल्स एरर रही है, फर्स्ट कॉल में, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये 300 रुपये, कॉल्स इन एरर ऑन 100 शेयर, ये हमने निरेशन लिख दिया। तो फिर विद्यार्थी ये सभी प्रविष्टियाँ हमारी हो चुकी है। अब जो बैंक से संबंधित राशियाँ थी, एक बार मैं सारणी में आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन के कितने रुपये प्राप्त हुए 1,50,000, अलॉटमेंट के कितने प्राप्त हुए 2,20,000 और फर्स्ट कॉल के कितने प्राप्त हुए 1,49,700, इन सभी को हम रोकड़ भाई के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे इन सभी के नाम से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रोकड़ भाई कैसे बनी है, ये देखिए रोकड़ भाई आपके सामने दे रखी है, कैशबुक बैंक कॉलम ओनली, ये हमने प्रारूप बना दिया, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। तो एप्लीकेशन की राशि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,80,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,20,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,49,700, तो कुल राशि कितनी होगी 4,49,700, इसको हम बंद कर देंगे बाय बैलेंस शीट डी, 4,49,700 रुपये, ये क्या बन गई, कैशबुक बन गई। अब इसमें जो जो राशियां प्राप्त हुई है वो एक तो एप्लीकेशन के 1,80,000 प्राप्त हुए, अलॉटमेंट के 2,20,000 प्राप्त हैं और फर्स्ट कॉल के 1,49,700 प्राप्त हैं, इन सभी को हमने जोड़ा और जो राशि जोड़ने में 5,49,700 उसको हम बैलेंस शीट डी के लिख के कैशबुक को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इस बैलेंस को आगे ले जाएंगे। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट, क्या बनानी है बैलेंस शीट, तो देखिए बैलेंस शीट वो आपके सामने दे रखी है कि पर्टिकुलर हो गया, नोट नंबर हो गया, करंट ईयर हो गया। तो बैलेंस शीट है वो दो भागों में बनती है, फर्स्ट भाग है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है, सेकंड भाग होता है वो एसेट्स होता है। तो देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का फर्स्ट भाग है वो आपके सामने दिया गया है कि इसमें क्या क्या कौन सी मदें दिखाई गई है। तो देखिए इसमें फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें एक नंबर हमने लिखा शेयर होल्डर फंड अंशधारक निधि, इसमें ए नंबर हमने लिखा है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमने देखा कि 10 रुपये का शेयर था और हमने कितने मांगे हैं 8 रुपये मांगे हैं, क्यों, सेकंड कॉल की मांग हमने नहीं की है, तो 8 रुपये मांगे हैं, तो और अंश कितने जारी किए थे 50,000, कितने हज़ार अंश जारी किए थे, तो 50,000 अंशों के 8 रुपये से जो कैपिटल बनती है वो कितने रुपये की बनती है 4,00,000 रुपये, कितने बनेंगे 4,00,000 रुपये, और इसमें से जो कॉलसिन एरियर है उसको घटाकर जो राशि बचेगी उसको हमें बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें पता है कि हम प्रदत्त या चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल को ही दिखाते हैं अमाउंट के कॉलम में। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज एंड 8 कॉल्ड अप, तो कितने रुपए हो गए 50,000 × 8 कैपिटल के 4,00,000, लेस कॉल्स इन एरर जो हमें राशि प्राप्त नहीं उसको घटा दिया 300 को, तो हमें 3,99,700 रुपये पूंजी की राशि को दिखा दिया। अब हमने इन अंशों को प्रीमियम पे जारी किया था, तो प्रीमियम की जो राशि है वो किस में जाती है हमें पता है, जो इसका बी पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस है, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से हम इसको दिखाएंगे, कितनी राशि 1,50,000 रुपये, कितनी 1,50,000, फिर इनकी हम जोड़ कर देते हैं तो इसकी जोड़ आगे 4,49,700 रुपये, किसकी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पक्ष की। दूसरा इसका पक्ष होता है वो होता है एसेट्स पक्ष होता है, तो एसेट्स पक्ष में हमारे पास कोई भी स्थायी संपत्ति नहीं है, चालू संपत्ति है, तो हम इसमें क्या दिखाएंगे करंट एसेट्स दिखाएंगे, करंट एसेट्स में भी क्या है कैश एट बैंक है, तो हमारी जो रोकड़ भैया वो कितना बैलेंस बोलती है, देखिए 4,49,700 बोलती है, तो ये सारा सारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो हम कहाँ ले जाएंगे बैलेंस शीट में ले जाएंगे, तो ये कैश एट बैंक है वो हमने बैलेंस यहाँ डाल दिया 4,49,700
700, तो दायित्व पक्ष का जो जोड़ है वो कितना है, 4,49,700, और हमारे संपत्ति पक्ष का भी जो कितना आ गया, 4,49,700। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट है वो पूरी होती है और ये सवाल पूरा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने जो अंशों के निर्गमन से संबंधित प्रश्न है जिसमें अंशों का निर्गमन रोकड़ बही के साथ किया गया है तथा बैलेंस शीट बनाई गई है को कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।